सो हेलो गाइस, कैसे हो आपसे भाई, होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो। गाइस आप बहुत ही आसानी से इंडिविजुअल चैट को लॉक कर सकते हो, जिस भी चैट को आप चाहो उस पे पासवर्ड को सेट कर सकते हो। क्योंकि गाइस काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने फोन को कहीं भी रख देते हैं और कोई दूसरा बंदा हमारे चैट्स को ओपन करके पढ़ लेता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके अपने व्हाट्सएप चैट को इंडिविजुअली लॉक कर सकते हो और गाइस आपके अलावा व्हाट्सएप चैट को कोई दूसरा बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे गाइस उससे रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो और इंडिविजुअल चैट पर आप कैसे पासवर्ड को सेट कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको यहाँ पे सर्च करना है लॉकर फॉर व्हाट्स चैट। इस एप्लीकेशन को आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना है, सिर्फ 9 MB का एप्लीकेशन है। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूं। गाइस जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको यहां पे 4 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है, जिससे आप अपने व्हाट्सएप चैट को ओपन कर पाओगे। सिंपली यहां पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, इसके बाद आपको यहां पे पासवर्ड को कन्फर्म करना है, ठीक है। अब गाइस आपको यहाँ पे पासकोड रिकवरी ईमेल का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्किप सेटअप। गाइस आप इसमें अपना जीमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो अगर आप कभी फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो। दोस्तों आप जीमेल आईडी से उसको रिकवर कर पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनेबल करके इस एप्लीकेशन के परमिशन को अलाउ कर देना होगा, ठीक है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोडेड सर्विस, आपको इस पर क्लिक करना है। और दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉकर फॉर व्हाट्स चैट, आपको इसको इनेबल कर देना है। अब आपको यहां पे बैक आना है। अब गाइस आपको यहां पे अपना पासवर्ड डाल देना है, इसके बाद आपको यहां पे फिर से इनेबल पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन के परमिशन को अलाउ कर देना है। तो दोस्तों जो सेटअप है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैट को लॉक कर रहे हैं। यहां पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है और गाइस यहां से आप व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो। जिस भी चैट को आप लॉक करना चाहते हो उसको आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा, उसको ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे यहां पे हमें पहले वाले चैट को लॉक करना है, सिंपली आपको चैट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये अमित कुमार वाला जो चैट है ये लॉक हो चुका है, ठीक है। अब हम सब कुछ बंद कर देते हैं, अब हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम अमित कुमार का चैट ओपन करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक है, जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक चैट ओपन नहीं होगा। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप चैट पे पासवर्ड को सेट कर सकते हो और गाइस आपके अलावा आपका चैट कोई दूसरा बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। अब चलिए मैं आपको कोई दूसरा चैट लॉक करके दिखाता हूँ। अब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं फिर से, ठीक है। अब आपको यहां भी अपना पासवर्ड डालना होगा, आप यहां पे देख सकते हो ऑलरेडी यहां पे अमित कुमार चैट ऐड है, ठीक है। अब हम फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ये सुमित सैनी वाला चैट लॉक करना है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और ये भी चैट यहाँ पर लॉक हो चुका है, ठीक है। अब हम बैक करते हैं, अब हम फिर से यहाँ पर सुमित सैनी को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड मांगने लगा, ठीक है। जब तक यहाँ पर हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक चैट ओपन नहीं होगा। गाइस जी ये जो ट्रिक है काफ़ी वर्किंग ट्रिक है, इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो। अगर गाइस आप इसको हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहां से इसको डिलीट कर देना है। जब आप यहां से इसको डिलीट कर दोगे तो दोस्तों आपका जो चैट है वो अनलॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।